हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सीधा समानुपात क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास किताब है और किताब की कीमत है, तो किताब को हम x मान लेते हैं, ये किताब संख्या में है, और किताब की कीमत को y मान लेते हैं जो कि रुपए में है। अब देखिए, एक किताब की जो कीमत है ये 10 रुपए है। इसी तरह से दो किताब की कीमत कितनी हो जाएगी, तो ये 20 हो जाएगी। इसी तरह से तीन किताब की कीमत कितनी हो जाएगी, 30। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे किताब की संख्या बढ़ रही है उसी तरह से किताब की कीमत भी बढ़ रही है, यानी कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अगर इसी को हम उल्टा देखें यानी कि पीछे से देखें, तो किताब की संख्या जो है ये अगर घट रही है तो किताब की कीमत भी घट रही है, यानी कि x के घटने पर y भी घट रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो x है ये बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और x अगर घट रहा है तो y भी घट रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीधा संबंध कहते हैं। अगर x के बढ़ने पर y भी बढ़े या फिर x के घटने पर y भी घटे, तो यही हमारा सीधा संबंध कहलाता है। अब समानुपात का मतलब क्या है, इसमें सीधा समानुपात लिखा गया है। तो सीधा समानुपात में क्या होता है हमारा कि x और y ये जिस अनुपात में बढ़ रहा है वही अनुपात अगर पूरे में सेम हो, यानी कि पूरे में एक ही जैसा हो, तो फिर इसे हम सीधा समानुपात कहते हैं। या फिर अगर घट रहा है तो जिस अनुपात में घट रहा है वही अनुपात अगर पूरे में हो तो भी हम इसे सीधा समानुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें हमारा क्या है कि जो x बटे y का अनुपात है ये 1/10 है। अब जो ये दूसरा वाला अनुपात है 2/20, इसको देखिए ये हमारा कटेगा, 2 + 2 = 2 × 20, तो ये भी 1/10 आ गया अनुपात। ऐसे ही तीसरे वाले को लेते हैं 3/30 को, तो ये भी कटेगा, 3 × 3 = 3 × 30, तो ये भी 1/10 आ गया। यानी कि तीनों में आप क्या देख रहे हैं कि अनुपात एक जैसा है, यानी कि सेम है, बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीधा समानुपात। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि सीधा समानुपात क्या है, कि इसमें सीधा समानुपात में क्या होता है हमारा कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़े, और अगर x घट रहा है तो y भी घटे, और जिस अनुपात में बढ़ रहा है वही अनुपात पूरे में सेम हो, यानी कि पूरे में एक जैसा हो, तो फिर हम इसे सीधा समानुपात कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, आपको दिया गया है 10 किताब और आपसे पूछा गया है 10 किताब की कीमत कितनी होगी। तो 10 किताब की कीमत नहीं पता तो इसको x मान लेंगे। तो देखिए, ये हम कैसे बताएंगे 10 किताब की कीमत कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो ये 3/30 है अनुपात, इसके बराबर होगा ये 10/x ये वाला अनुपात, क्योंकि ये सीधा समानुपात है, तो इसीलिए इसमें जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, यानी 3/30 और ये 10/x दोनों का अनुपात बराबर होगा। अब देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3, ये x इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। इसी तरह से ये 10 और ये 30 इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये x बराबर 10 × 30 और ये 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया। तो ये 3 × 3 = 3, 3 × 30 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, 10 × 10 यानी कि 100, यानी कि 10 किताब की कीमत कितनी है, 100 रुपए है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधा समानुपात में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि सीधा समानुपात क्या होता है। अब हम समझते हैं प्रतिलोम अनुपात। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिलोम अनुपात को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है श्रमिकों की संख्या और घंटों की संख्या। तो श्रमिकों की संख्या को x मान लेते हैं और घंटों की संख्या को y। अब ध्यान देना कि अगर एक श्रमिक जो है ये किसी काम को 20 घंटे में पूरा करता है, तो दो श्रमिक कितने घंटे में पूरा करेंगे, तो ये 10 घंटे में कर देंगे, क्योंकि श्रमिक जो है पहले एक था जो कि 20 घंटे में अकेला काम करता था, अब दो श्रमिक आ गए तो काम बट जाएगा, यानी कि 10 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर चार श्रमिक आ गए तो कितने घंटे में काम खत्म हो जाएगा, तो ये 5 ही घंटे में पूरा हो जाएगा, है ना।
तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अगर श्रमिक की संख्या बढ़ रही है तो जो घंटों की संख्या है वो घट रही है, यानी कि x अगर बढ़ रहा है तो y घट रहा है, या फिर अगर आप पीछे से देखें तो x अगर घट रहा है तो y बढ़ रहा है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि x के बढ़ने पर जो y है ये घट रहा है, या फिर x के घटने पर y जो है ये बढ़ रहा है। तो इसमें हमारा क्या होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। अब अनुपात क्यों लग गया, तो इसमें देखिए, इसमें जो x और y का अनुपात है वो अगर पूरे में बराबर हो, यानी कि पूरे में एक जैसा हो, तभी हम इसे प्रतिलोम अनुपात कहेंगे। अब देखिए, इसमें अनुपात हम इस तरह से चेक करते हैं, x और y का गुणा करके, ठीक है। जैसे इसमें हमारा हो जाएगा एक, सबसे पहले एक है x, गुणा में y है 20, तो ये हो जाएगा 20। इसी तरह से दूसरा है x 2 है और y 10 है, तो ये भी हो जाएगा 20। तीसरा है 4 गुणा y है 5, तो ये हो जाएगा 20। तो पूरे में आप क्या देख रहे हैं कि 20-20 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक जैसा है। तो इसको हम क्या कहेंगे फिर, प्रतिलोम अनुपात, क्योंकि पूरे में अनुपात एक जैसा है, यानी कि बराबर है, ठीक है। तो इसमें अनुपात इस तरह से गुणा करके देखा जाता है, इन दोनों x और y का गुणा करके देखा जाता है अनुपात बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रतिलोम अनुपात समझ में आ गया। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देखिए, हमको दिया गया है कि 5 श्रमिक हैं और 5 श्रमिक कितने घंटे में काम को पूरा कर देंगे, यानी कि हमें घंटों की संख्या बतानी है, तो हमें नहीं पता तो x मान लेंगे। अब देखिए, हम ये कैसे बताएंगे कि 5 श्रमिक कितने घंटे में काम पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो अनुपात है 4 गुना 5, इसके बराबर क्या होगा, ये वाला अनुपात, यानी कि 5 गुना x, ठीक है। क्योंकि अनुपात पूरे में तो बराबर होगा, इसीलिए हम इसको 4 गुना 5 को 5 गुना x के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 4 गुना 5 एज इट इज, ये 5 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया, इधर x बचा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 बराबर x आ गया, यानी कि x का मान 4 है, यानी कि 5 श्रमिक 4 घंटे में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रतिलोम अनुपात है। इसी तरह के क्वेश्चंस प्रतिलोम अनुपात में आते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि सीधा समानुपात और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर का। इसके अलावा प्रश्नावली 13.1 को हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।